नमस्ते दोस्तों, दोबारा से मैं ज्योत्सना आपके सामने एक और कविता लेकर के आई हूँ। आज कविता एक औरत के ऊपर है। अरे निराली औरत तू, कितनी प्यारी कितनी मन की कोमल तू। मन तेरा चंचल सा है, लेकिन फिर भी तेरे मन में ना जाने कितनी विह्वलता है। तू ढूंढती है खुशी अपनी किसी और की खुशी में, तू मांगती है अपना अप्रूवल किसी और की मुस्कुराहट से। तेरा पेट भर जाता है जब तू देखती है अपने बच्चे को खाना खाते, पति से परमिशन मांगती है और ना दे तो रूठ भी जाती है। बट जरूरत क्या है परमिशन मांगने की, ये इतना तू जानती है ना जानना चाहती है। हर बार तुझे कहीं ना कहीं किसी रूप में दबाया गया है, और इसी वजह से जो तेरा अस्तित्व है वो तूने ही दबासा दिया है। क्योंकि तू सोच अपनी सीमित सी रखती है, हर बार किसी और की वजह से अपनी खुशियों को डिफाइन करती है। औरत है ना तू, निराली तो होगी, क्योंकि तुझे तो बहुत कुछ दे देने का शौक है। सैक्रिफाइस करना तेरी लाइफ का मोटो जो बना रखा है, और फिर अगर तू दबेगी नहीं, पिसेगी नहीं, थोड़ी सी रोज मरेगी नहीं, तो तू फिर जिंदा कैसे रहेगी? क्योंकि तुझे तो महान बनने की आदत है। और हाँ, ये महानता किसी और को दिखती ज़्यादा नहीं है, बस तेरे मन में ही तुझे लगता है कि ना जाने क्या क्या कर डाला है। फिर भी औरत, अबला, नारी, यूं ही अपने मन में तूने कुछ वहम पाला है। तू अबला नहीं है, तू सबला है। तुझमें बहुत सारे काम करने की क्षमता है, और ना अप्रूवल लिए भी तू बहुत कुछ अच्छा कर सकती है, और तेरे अंदर वैसी दृढ़ता है, लेकिन तू जो है उसे खोजती नहीं है। तू जो है उस तरीके से सोचती नहीं है, क्योंकि तेरी सोच को सीमित कर दिया गया है। सारे के सारे समाज ने तुझे एक अवरोध में रखा है, रोक के रखा है। कहीं ना कहीं हर चीज जो तू करती है उसी किसी जांच के दायरे में रखा है। तेरी डेफिनेशन, तेरा अस्तित्व, तेरा रंग ढंग, तेरा रहन सहन, तेरा रूप और प्रारूप, सब के लिए कोई ना कोई डेफिनेशन बना दी गई है। कभी तेरे चरित्र का हनन हो जाता है, तो कभी तेरे नाम के गुणगान भी होते हैं। लेकिन क्या है ना, हर चीज से जुड़ी है तेरी कोई ना कोई बलिदान देने की कहानी, तभी बनती है तू महान। लेकिन क्या ये जरूरी है कि तू अपने अरमानों का कत्ल करके, अपने सपनों को बदहाल करके लोगों में अपनी खुशियां ढूंढती है? क्या ये जरूरी है कि तू खुश नहीं रह सकती खुद से, अपने आप से? तेरे सपने नहीं जी सकती क्या तू अपने आप से? क्या हर बार तुझे किसी ना किसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा? खुश रहने के लिए दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट देखनी पड़ेगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तू फिर से जी ले एक बार अपनी तरह से, जैसे तू उन्मुक्त गगन का पंछी हो और उड़ना चाहे जहां पर वहां की उड़ान भर ले? क्यों है ऐसे मन में तेरे सवाल, क्यों तोड़ रही है रोजाना अपना हाल? बन जा थोड़ी दृढ़, निश्चय कर, मजबूत बन। ना देख किसी और के चेहरे पे, ना ढूंढ वो मुस्कान, ना वो अप्रूवल, ना वो शिकन, और ना ही वो ताने या कुछ और जो बातें चुभती हैं तेरे सीने में। बस अपने मन पे विश्वास कर, अपने आप में विश्वास रख के आगे बढ़। आसमान भी छोटा पड़ जाएगा, तेरी उड़ान बहुत ऊंची है। क्या है ना, बस तूने उसकी पहचान ही नहीं की है। अब पहचान कर और बढ़िया इंसान बन, आगे चल, महान बन। तू है तो सब कुछ है, तेरी वजह से ये दुनिया है। तू नहीं तो कुछ भी नहीं, याद रखना बस यही। औरत है तू, बहुत कुछ करने की तेरे अंदर क्षमता भी है, और तू खुद अपने आप में
समर्थ भी है। समर्थता के साथ आगे बढ़, जीवन का संचार कर। धन्यवाद।